जहाँ स्थिति भयावह होती जा रही है, वहीं केंद्र व राज्य सरकार महामारी को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। इसके बावजूद भी सभी पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर के छात्रों के ऊपर सरकार भार डाल रही है। छात्रों ने यूजीसी से सवाल करते हुए कहा कि क्या सिर्फ सभी पाठ्यक्रम के प्रथम, द्वितीय व उक्त सेमेस्टर के छात्रों को ही कोरोना होगा? क्या सभी पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर के छात्रों को कोरोना नहीं होगा? जिस प्रकार से सरकार अंतिम वर्ष व अंतिम सेमेस्टर के छात्रों के साथ भेदभाव कर रही है, उससे स्थिति और गंभीर हो जाएगी। अन्यथा सरकार इसकी जिम्मेदारी ले कि किसी भी छात्र को कोरोना नहीं होगा, जिसको देखते हुए 20 जुलाई 2020 को NSUI के बैनर तले छात्र संघ महामंत्री ऋषभ पांडे के नेतृत्व में UGC का पुतला फूंका गया। आपको बता दें कि UGC का पुतला महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पास फूंका गया। हालांकि ऐसा करने से प्रशासन ने छात्रों को रोक लिया। जो UGC और HRD मिनिस्टर का आदेश आया हुआ है BA लास्ट ईयर और सेमेस्टर की परीक्षा कराने के लिए, उसी के विरोध में आज हम लोगों ने विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ मिलकर हम लोगों ने UGC का पुतला फूंका है। तो पुतला फूंक नहीं पाए क्यों? पुलिस को चकमा चकमा देने के बाद नहीं है, हम लोग पुतला पूरी तैयारी हो गई थी, पुतला जलाए भी रहते, पर वहाँ से पुलिस प्रशासन के लोग कुछ आते हैं, हम लोग से छीना झपटी हुई है, पर कुछ हद तक पुतला भी जल गया था। और हम सरकार से यही लगातार मांग करते रहेंगे कि जब तक वो लोग लास्ट ईयर और सेमेस्टर की परीक्षा ना कराते हैं, प्रमोट करते हैं छात्रों को, और अगर प्रमोट नहीं करते तो लोग लगातार धरना प्रदर्शन इसी तरीके से UGC का पुतला जलाते रहेंगे लगातार। लेकिन उनका कहना है UGC का कि विश्व स्तर पर कई सारे विश्वविद्यालय जो है वो आखिरी वर्ष के छात्रों की परीक्षा ले रहे हैं, तो आगे चलकर इनको परेशानी न सहना पड़े, इसलिए आखिरी वर्ष। मैं भी एक छात्र हूँ, अगर उस परीक्षा के दौरान एक भी कर्मचारी या प्रोफेसर को या फिर एक भी छात्रों को बीमारी होती है तो उसका पूरा कौन लेगा कि ये बीमारी उन लोगों को हुई है? क्योंकि विश्वविद्यालय कई है पूरे ऑल ओवर उत्तर प्रदेश में और ऑल ओवर इंडिया में, विश्वविद्यालय कई सारे छात्र हर एक कोने से छात्र निकल के आते हैं परीक्षा देने के लिए, उस परीक्षा के दौरान एक भी छात्र को अगर बीमारी होती है तो सेंटर में बैठे कई छात्रों को बीमारी फैलाएगा वो, तो इसका गारंटी वो लेते हैं कि अगर बीमारी होती तो कौन गारंटी लेगा इस चीज़। लेकिन इसकी टाइमलाइन सितंबर आखिरी है और अभी से आप लोग ये सब कर रहे हैं? देखिए, लगातार दिन प्रतिदिन बीमारी बढ़ती जा रही है, अपने बनारस में आप देंगे कई सारे हॉटस्पॉट बन चुके हैं लगातार, तो अगर उस हॉटस्पॉट से एक छात्र भी निकल के आता है परीक्षा देने तो क्या गारंटी है कि वो बीमारी नहीं है, संक्रमित नहीं है? और थर्मल स्कैनिंग करने से ये नहीं पता चलेगा कि उसको कोरोना हुआ कि नहीं हुआ है, और एग्जाम सेंटर पे सिर्फ आदेश दिए थर्मल स्कैनिंग करने का, सैनिटाइजर उपलब्ध कराने का। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने फर्स्ट ईयर के छात्रों को, सेकेंड ईयर के छात्रों को प्रमोट किया है, उसी तरीके से लास्ट ईयर और सेमेस्टर के छात्रों को भी प्रमोट कर दें। मेरा नाम ऋषभ पांडे, मैं वर्तमान छात्र संघ महामंत्री महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। आप लोग इतना देर से यहाँ पर इंतजार कर रहे थे लेकिन पुलिस वालों को चकमा देकर उन्होंने पुतला फूंक दिया, क्या पुतला नहीं फूंका है, ग्लासेमी है। हाँ, ये हम लोग यहाँ थे और वो गेट नंबर 3 पे जो है फोर्स लगी थी, वो लोग आए तो उनका पुतला उनसे ले लिया गया, समझा बुझा कर उनको वापस भेज दिया गया। तो किस मामले पर ये पुतला फूंका है? ये कुछ इनका विरोध था शिक्षा के संबंध में, शिक्षा मंत्री का पुतला बना के लेके आए थे ये लोग, इनको समझाया बुझाया गया, उन्होंने पुतला दे दिया और चले गए वापस। तो वापस चले गए थाने के पास, क्या इस पर कुछ कार्रवाई होगी, कुछ एक्शन होगा? नहीं, जब उन्होंने कृत्य ही नहीं किया तो उस पर कार्रवाई क्या करेंगे। लेकिन इस पुतला फूंकने वालों में NSUI जिलाध्यक्ष अधिवक्ता विकास सिंह, नवीन चौबे, युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष विश्वनाथ कुंवर, उत्कर्ष त्रिपाठी, पूर्व महामंत्री दिलीप सोनकर उपस्थित हैं।